रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग और उसका सबसे महंगा खिलाड़ी अंकित घोड़गे, जबरदस्त ये प्लेयर है। बता दिया क्यों महंगा है, वो आखिरी ओवर में सेव किया था और अपनी टीम को फाइनल के मुकाम तक पहुंचाया था। वही अंकित देखने को मिलेंगे स्ट्राइकिंग एंड पे और राज नॉन स्ट्राइक एंड पे। वही ये जो गेंदबाज है रणजीत पिलनकर, रणजीत ने अभी तक जीता है सेमीफाइनल तक, हर रन जीता है, नाम को सही साबित किया है। आखिरी मर्तबा, आखिरी बार रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग, रणजीत तैयार और अंकित भी तैयार, ये फाइनल का घमासान। अंपायर कम मैच स्टार्ट का इशारा, पहली गेंद, मेगा फाइनल रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग, रणजीत तैयार, रणजीत टू अंकित, रणजीत पहली गेंद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद, सम्मान दिया गेंद को, कवर की रीजन में खेला, दौड़कर एक रन चुरा लिया, अच्छी शुरुआत, एक रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ एक रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। ये गेंदबाज पर ध्यान रखिए दोस्तों, गजब का गेंदबाज है, जितनी अच्छी एक्शन उतनी अच्छी गेंदबाजी। तैयार दूसरी गेंद इस बार राज के लिए, अच्छी गेंद, इस बार भी सम्मान दिया गेंद को, अच्छी फील्डिंग की अपेक्षा, एक रन से खाता शुरू किया, राज ने भी टीम के स्कोर में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ दो रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार तैयार रणजीत, कोटे की तीसरी गेंद, इस बार अंकित के लिए, एक महंगा खिलाड़ी अंकित, रणजीत की ये गेंद अंकित के लिए, अच्छी गेंद, इस बार भी सम्मान, गजब का शॉट, ग्राउंड शॉट से शुरुआत। जबकि तीन गेंदे डाले हैं रणजीत ने और तीन रन बनाए हैं वहां पे अप्पागुरियेलन ने। रणजीत तैयार, चौथी गेंद, मेगा फाइनल, इस बार जाने दिया, जानते थे वाइड है, खड़े रहे राज, इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ चार रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। रणजीत तैयार, कोटे की अगली गेंद यानी चौथी गेंद, फिर एक बार राज, इस बार गेंद देखिए, तेज देखिए, धार देखिए, अच्छी गेंद, खड़ा रखा वहां पे राज को, डॉट गेंद, क्या गजब की शुरुआत, जैसे टूर्नामेंट शुरू किया था वैसी कंटिन्यूटी दिखाई यहाँ पे रणजीत ने। फिर एक बार तैयार, अपने कोटे की पांचवी गेंद, इस बार भी राज के लिए, रणजीत दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार भी बीट, इस बार दुगने रफ्तार से गेंद, बार बार बीट किया, स्कोर बोर्ड कहीं नहीं जा रहा, चार रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। पांच गेंदे डाली है, लीगल गेंदबाजी, सही पेस, सटीक एक्शन, तैयार रणजीत, इस बीच ये गेंद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, इस बार आ गया है, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, रन आउट का चांस, अच्छी कीपिंग, लेकिन एक रन तो बचा नहीं पाए। इसके साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर का खेल समाप्त, टीम का स्कोर पांच रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। यानी रणजीत ने जिस तरीके से शुरुआत की थी उसको बरकरार रखा आखिरी मैच तक, मात्र पांच रन दिए है, गेंदे डाली है छह, रन दिए है पांच। जरा जल्दी करें, नो टीम मीटिंग प्लीज, महालक्ष्मी काजरघाटी आपको आगे बढ़ाना है, आपकी दूसरी बारी है, अगर वहां पे रोशनी की कमी होती है तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान दे, पारी को जल्दी आगे बढ़ाए। नीतीश तैयार, सॉरी रितेश तैयार, लोकल बॉय रितेश, जलवा था इस प्लेयर का, रामेश्वरवाड़ी को बिलोंग करते हैं और खेलते हुए महालक्ष्मी काजर घाटी की तरफ से चप्पे चप्पे से वाकिफ रितेश, ये मैदान भी शायद उन्होंने ही बनाया है, तो जानते होंगे कहां गेंदबाजी करनी है। तैयार पहली गेंद राज के लिए, इस बार खराब गेंद, खराब शुरुआत, नियंत्रण से भटके, पनिश किया अंपायर ने, एक रन से बढ़ोतरी, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ छह रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अच्छी अभी तक गेंदबाजी की है रितेश ने, याद दिलाना होगा खुद को। तैयार पहली गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद, और फायदा उठाने नाकामयाब, गेंद जाती है मिड विकेट की तरफ, श्रेयस अच्छे फील्डर, इस फील्डर के हाथ से गेंद नहीं छूटेगी, दौड़कर एक रन चुरा लिया, इस एक रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ सात रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अभी तक अच्छी शुरुआत महालक्ष्मी काजर घाटी के द्वारा, रितेश तैयार, अब कोटे की दूसरी गेंद, रितेश टू अंकित, एक महंगा खिलाड़ी रितेश, ये गेंद अंकित के लिए,
इस बार धीमी गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा गेंद गई डिक्लेरेशन बॉक्स में। एक रन के लिए, एक रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। लंबा हिट चाहते थे लेकिन रितेश चतुर गेंदबाज है। रितेश हर विकेट के लिए 100 रुपए। अशोक नागवेकर की तरह इनामों की बौछार, फाइनल मुकाबला, हर विकेट 100 रुपए। तैयार रितेश, अगली गेंद। इस बार अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, लेकिन देखना होगा इस गेंद के ऊपर क्या कुछ घटता है। अंपायर का इशारा वाइड और एक रन चुरा लिया इसी के साथ। तो अंपायर का इशारा नो गेंद, स्क्वायर लेग अंपायर का इशारा नो गेंद और एक रन इस और अगली गेंद के ऊपर फ्री। काफी कुछ घटता हुआ, इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। रितेश के मन में थोड़ा सा लालच, एक विकेट 100 रुपए, 6 विकेट लिए तो 600 रुपए। रितेश देखना होगा क्या करते। फिर एक बार अपने कोटे की तीसरी गेंद लेकर तैयार, 300 रुपए तो कमा ही सकते हैं। फिर एक बार तैयार, इस बार दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया ये गेंद, इस बार बीट किया पेस से, डॉट गेंद, बहुमूल्य डॉट गेंद, मेगा फाइनल है। जितनी ज्यादा डॉट गेंद है उतनी ज्यादा ट्रॉफी की तरफ आपकी नजर। फिर एक बार तैयार, अपने कोटे की चौथी गेंद लेकर, स्कोर वही रुका हुआ 10 रन। इसी बीच रितेश की ये गेंद राज के लिए, इस बार भी बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, रन आउट का चांस, मिस किया। ये चूक आपको महंगी पड़ सकती है, एक एक रन, एक एक रन। नुकसान पे। फिर एक बार रितेश तैयार, 5वीं गेंद लेकर, इस मर्तबा जो खिलाड़ी है स्ट्राइक पे, खिलाड़ियों का खिलाड़ी अंकित तैयार, रितेश भी तैयार। इसी बीच ये गेंद अंकित के लिए, इस बार खराब गेंद, शायद चूके अंपायर ने पनिश किया, वाइड के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। चूके इस गेंद के ऊपर एक्स्ट्रा पेस से डालना चाहते थे, गेंद वाइड के रूप में। फिर एक बार तैयार, कोटे की 5वीं गेंद लेकर, थोड़ी सी खराब गेंदबाजी, रितेश कमबैक करना होगा अपने होम ग्राउंड के ऊपर, काफी सारे दर्शकों के साथ। ये गेंद रितेश की, इस बार अच्छी गेंद, खदेड़ कर निकाला गेंद को, थोड़ी सी विपदा वहां पे, दौड़कर एक रन चुरा लिया, एक रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद लेकर तैयार, फाइनल का मुकाबला, दूसरी ओवर, आखिरी गेंद, रितेश तैयार, राज भी तैयार। इसी बीच ये गेंद, अच्छी गेंद, खदेड़ा इस गेंद को, थोड़ी सी रुकावट, लेकिन दौड़कर एक रन पूरा किया राज ने, खराब फील्डिंग रितेश की। ये 1-2 रन आपको महंगे पड़ सकते हैं, गेम में रहना पड़ेगा। मेगा फाइनल का मुकाबला अप्पा गुरु 11 और महालक्ष्मी कजरगढ़ के बीच में, नो टीम मीटिंग्स, आपको दिक्कत हो सकती है बाद में, अंपायर जरा ध्यान दे। महालक्ष्मी काजरघाटी आपको जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। सर इसके बीच थोड़ा सा ड्रिंक्स ब्रेक। इस 2 ओवर में एक भी बड़ा हिट दिखाई नहीं दिया अप्पा गुरु 11 की तरफ से, जाने जाते हैं लंबे हिट के लिए। फाइनल में 59 रन, सेमीफाइनल में 59 रन बनाए थे, इस बार जलवा बिखेरना होगा। टीम का स्कोर 2 ओवर के बाद 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर की समाप्ति, 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। रितेश का भी अच्छा ओवर, वाइड डाले थे उसके बावजूद अच्छा ओवर रितेश का। जबकि रणजीत तैयार अपना दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर, 5 ओवर का मैच यानी एक गेंदबाज 2 ओवर कर सकता है। रणजीत तैयार पहली गेंद, तीसरी ओवर की,
अंकित के लिए। इस बार अच्छी गेंद, इस बार भी पेस से बीट किया, ये गेंद बार बार लगातार करते हुए और अंकित बीट होते हुए डॉट गेंद के साथ शुरुआत। मेगा फाइनल का मुकाबला है, बल्ला चलाना पड़ेगा, ढेर सारे बल्लेबाज मौजूद यहाँ पे अप्पा गुरु इलेवन में, एक से बढ़कर एक सितारे। इसी बीच ये गेंद रंजीत की, इस बार भी बीट हुए खिलवाड़, इस बार दो गेंदों पे ऊपर चुप कराया अंकित को, वो मेगा फाइनल का मुकाबला। फिर एक बार तैयार, तीसरी गेंद इस बार भी अंकित के लिए, तैयार खड़े होंगे अंकित तैयार। इस बार बल्ला चलाना होगा, बल्ले को बोलना होगा, अंकित रंजीत तैयार। तीसरी गेंद इस बार अच्छी गेंद, इस बार खूबसूरत शॉट, ये गेंद सीमा रेखा की तरफ, श्रेयु के हाथों में सेव किया बिना कोई विकेट के नुकसान पे। ये रन्स आपको मैच में वापस लाएंगे, कमाल की फील्डिंग श्रेयस कामरे। फिर एक बार तैयार रणजीत, कोटे की चौथी गेंद, इसी बीच दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, इस बार अच्छा शॉट, चौका हो सकता है, भूषण की खराब फील्डिंग, गेंद गई सीमा रेखा की तरफ, चार रन के लिए पहला चौका फाइनल का। इस चार रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अब रंग में अंकित, इसी प्रकार बल्ला चलाना होगा, वही रंजीत तैयार अलग रणनीति के साथ, पांचवी गेंद, इस बार खूबसूरत शॉट, नो मैन्स लैंड में गेंद, अच्छी फील्डिंग खराब फील्डिंग, चौका लगातार दूसरा चौका, बिना कोई गेट रन, तीन ओवर की समाप्ति। इस गेंद के ऊपर चांस था, हाथ आया था लेकिन मुंह नहीं लगा। इस टूर्नामेंट के कोई नियम है, उस नियम के अनुसार आपको चलना होगा, अगर नियम का उल्लंघन होता है तो आपको दंडित किया जा सकता है, आपको पेनल्टी लग सकती है। सेमीफाइनल में देखा था हमने, पेनल्टी लगी थी 5 रन की महालक्ष्मी काजर घाटी को ही, तो तत्पर रहना पड़ेगा। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 28 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अब बल्ला चलाना होगा, चौथी ओवर अहम ओवर मेगा फाइनल की। नवनाथ के कंधों पे जिम्मेदारी, चौथी ओवर है ये, नवनाथ का पहला और टीम का चौथी ओवर तैयार। अंकित बल्ला बोला है अंकित का, साबित किया है क्यों महंगा हूं मैं, 2 चौके लगाए वो भी लगातार, लेकिन इस बार भी उसकी उम्मीद अप्पा गुरु इलेवन के डगआउट को बताते हुए अंकित को डगआउट में ही रहना पड़ेगा, अप्पा गुरु इलेवन और महालक्ष्मी काजरगाटी के फील्डर्स को, सॉरी प्लेयर्स को। इसे भी तैयार नवनाथ, पहली गेंद अंकित के लिए, अच्छी गेंद आगे आए बीट हुए, यहाँ पे रन आउट हो सकते हैं राज, देखना होगा इस गेंद के ऊपर, अभी तक और रन आउट किया नहीं, ये कम देखा जाता है क्रिकेट में, खिलाने का प्रयोग राज का। इसी बीच तैयार नवनाथ, अच्छा क्रिकेट, प्रेशर डाला, इसी बीच ये गेंद नवनाथ की, इस बार भी अच्छी गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा शायद, गेंद गई डिक्लेशन बॉक्स में, 1 रन के लिए, 1 रन पे चांस था राज को आउट करने का, लेकिन ईगो से खेले राज के, राज को भी बताना होगा कि मैं भी राज कर सकता हूं। फिलहाल नॉनसाइक एंड पे तैयार इस वक्त नवनाथ, अगली गेंद तीसरी गेंद, इस बार खराब गेंदबाजी, क्योंकि अंपायर ने पनिश किया वाइड, वाइड के साथ टीम का स्कोर 1 रन से बढ़ता हुआ 30 रन बिना कोई विकेट के नुकसान थे। अभी तक 9 लॉस अच्छी तरीके से चलती हुई, चौथा ओवर है, बल्ला चलाना पड़ेगा अंकित को, चौके से कुछ नहीं होगा दोस्त, छक्का लगाओ। इसी बीच तैयार नवनाथ, अगली गेंद लेकर, इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, दौड़कर 1 रन पूरा किया, स्क्वायर लेग की तरफ जाती हुई गेंद, 1 रन पूरा किया, रनआउट का चांस, पूरा चांस, अंपायर ने रनआउट किया, रनआउट का सिग्नल किया, अंकित डगआउट में वापस, पहला छक्का।
महालक्ष्मी काजरगाटी यांचे जे प्रेक्षक आहेत त्यांनी जरा लक्ष द्यायचं आहे. कुणीही ढोलवादन करायचं नाहीये, याच्यामुळे प्लेयर्स लोकांचं लक्ष विचलित होऊ शकतं. तुम्हाला नम्र विनंती आहे महालक्ष्मी काजरगाटी. जर असं कृत्य तुमच्याकडून झालं तर याचा याचा सामना तुमच्या संघाला करावा लागेल, तुमच्या संघाला आम्ही दंडित करू शकतो. तर कुणीही ढोलवादन करायचं नाहीये जोपर्यंत शेवटचा चेंडू फेकला जात नाहीये तोपर्यंत. इसी के बीच में तैयार होते हुए नवनाथ अपने कोटे की चौथी गेंद लेकर इस बार हर्षल के लिए ये आइकॉन प्लेयर है, इनके ऊपर बोली लगी नहीं थी, यानी अगर बोली में जाते तो महंगे बिकते. ये है आइकॉन, अपना पावर का प्रदर्शन करना होगा, अभी तक लोहा मनवाया है. हर्षल ने लेफ्टी है तो एडवांटेज है. इसी बीच नवनाथ की ये गेंद, अच्छी गेंद खदेड़ कर निकाला इस गेंद को, एक रन की चाहत में अच्छी फील्डिंग की उम्मीद, अच्छी फील्डिंग की, रन आउट का चांस, वहां पे रन आउट होंगे राज. इस बार राज को रन आउट किया, एक रन पूरा दूसरी रन के. कहल ढाया था, गेंदों को भेजा था रस्ते के पार, इस बार भी आर पार भेजना होगा. काफी सारे दर्शक मौजूद आपकी गेंदें झेलने के लिए. स्मितेश छक्का लगाओ, तैयार खड़े होंगे इस बार नॉन स्ट्राइक एंड पे. उसी के साथ नवनाथ तैयार, एक कामयाब गेंदबाज जकड़ कर रखा है पांचवी गेंद लेकर. अभी तक नवनाथ तैयार, पांचवी गेंद हर्षल के लिए. नवनाथ एक अच्छे गेंदबाज, इसी बीच ये गेंद हर्षल के लिए, अच्छी गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद जाते हुए यहाँ पे एक रन पूरा करेंगे. खराब फील्डिंग, दूसरा भी पूरा करेंगे जब तक श्रेयु पकड़ते दो रन चुरा लिए. इस दो रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन दो विकेट के नुकसान पे. आखिरी गेंद लेकर तैयार होंगे नवनाथ रहाटे. रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग मेगा फाइनल, चौथी ओवर, आखिरी गेंद, नवनाथ रहाटे और हर्षल, ये मुकाबला रोमांचक होगा, कांटे का होगा. इस गेंद के ऊपर आड़े हाथों लेना चाहेंगे हर्षल नवनाथ को, वही चतुर गेंदबाज है नवनाथ, फंसाएंगे जरूर, देखना पड़ेगा. इसी बीच ये गेंद हर्षल के लिए, अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा बाकी इस गेंद के ऊपर, लीगल डिलीवरी. चार ओवर की समाप्ति, अप्पा गुरु 11 का स्कोर 34 रन दो. चार ओवर की समाप्ति 34 रन दो विकेट के नुकसान पे. थैंक यू डीजे, चलाना होगा महालक्ष्मी काजरगाटी को ये गेम. आपकी बारी दूसरी है तो रोशनी की कमी आपको हो सकती है, इस बात पे ध्यान दे और गेम को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए जब तक सूरज है, इस फाइनल को खत्म करे. अब देखना होगा आखिरी ओवर लेकर कौन आते हैं. निशांत, ये गेंदबाज कमाल का है, देखना होगा रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1 के फाइनल मुकाबले की पहली इनिंग की आखिरी ओवर और जिम्मेदारी निशांत के कंधों के ऊपर. सामना करेंगे स्मितेश बोरकर उर्फ गुड्डू. स्मितेश को उछालना होगा स्कोरबोर्ड को. निशांत तैयार, पहली गेंद देखा, आड़े हाथों लिया, अच्छा शॉट खेला इस गेंद के ऊपर, वहां पे अच्छी फील्डिंग रितेश की, लगभग एक हाथ से अड़ाया लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हिट, स्टिक पे गेंद लगी, जहां पे दो थे तीन बनाए, चाहत में थे शायद, वहां पे गेंद, वहां पे थोड़ी सी रुकावट, नैसर्गिक रुकावट की वजह से गेंद चली गई. अच्छा थ्रो था रितेश का लेकिन दौड़कर तीन रन चुरा लिए और स्कोर पहुंचा
37 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहली गेंद अच्छी शुरुआत निशान के द्वारा, सेमीफाइनल में 2 ओवर्स निशान ने की थे, इस बार रणजीत ने की है। निशान तैयार आखिरी और इंपॉर्टेंट ओवर लेकर, इस बार हर्षल के लिए, हर्षल को बल्ला चलाना होगा। अभी तक खामोश बल्ला हर्षल का, इसी बीच तैयार निशान, दूसरी गेंद, मेगा फाइनल, आखिरी ओवर, पहली इनिंग। ये गेंद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद, कैच का चांस वहां पे, अपील, अंपायर का इशारा। इसके साथ हर्षल के विकेट का पतन, और आएंगे अभी डुगवे के राजा, राज करना होगा राजा को, अपने नाम पर खरा उतरना होगा डुगवे सा राजा, देखना पड़ेगा किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। हमने देखा इस बल्लेबाज को, लंबे हिट लगाते हैं, आते ही ताबड़तोड़ बारी खेलते हैं, उसी प्रकार का प्रदर्शन करना पड़ेगा राजा को अगर टीम टोटल को अच्छी तरीके से लिफ्ट करना है तो। वही निशान तैयार, दूसरी गेंद के ऊपर सफलता निकाली इस गेंदबाज ने, महालक्ष्मी काजरगाटी के एक अच्छे गेंदबाज निशांत, आखिरी ओवर, तीसरी गेंद, राजा तैयार, निशान भी तैयार, टीम का स्कोर वही रुका हुआ 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस बीच निशान तैयार, तीसरी गेंद, इस बार हर्षल के लिए ये गेंद, तीसरी राजा के लिए ये गेंद, राजा बिना देखे बल्ला घुमाया और राजा को वापस जाना होगा। चतुराई स्मितेश की स्ट्राइक ली, राजा की विकेट का पतन, चौथा बड़ा झटका अपगुरी 11 को। स्मितेश तो अच्छा टोटल हो सकता है, ऋषि जो कि नॉन साइक एन पे रहेंगे। इसी बीच अगली गेंद निशांत की स्मितेश के लिए आए, आगे आए बिना देखे बल्ला घुमाया, पेस से बीट किया, धीमी गेंद, ये हथियार भी निशांत के पास मौजूद, स्कोर वही का धरा 37 रन 4 विकेट के नुकसान पे। क्या खूबसूरत गेंदबाजी, मेगा फाइनल है, आखिरी ओवर है, जिम्मेदारी है, उसके बावजूद अच्छा प्रदर्शन निशांत का, वही खराब प्रदर्शन स्मितेश का। आखिरी 2 गेंदे रुक अपनी तरफ मोड़ सकती है इस मेगा फाइनल का, स्मितेश निशांत, ये गेंद स्मितेश के लिए, आड़े हाथों लिया फ्लैट हिट, वहां पे कैच था, मिसजज किया, गेंद को अड़ाया, खराब थ्रो वहां पे, अच्छा थ्रो सॉरी, और देखना होगा क्या होता है इस गेंद के ऊपर, स्मितेश चल पाते हैं। इस गेम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा, अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी है, अगर रोशनी कम होगी तो दिक्कत होगी, तो मेरे दोस्त जल्दी जाओ, भूषण धीरे धीरे, भूषण जाते हुए सॉरी योगेश, धीरे धीरे योगेश मैदान पे स्मितेश की जगह लेने। आखिरी गेंद का खेल शेष, रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग मेगा फाइनल, आखिरी गेंद निशान तैयार, स्कोर वही का वही रुका हुआ 38 रन। अभी जीत देखना होगा योगेश क्या करते इस गेंद के ऊपर, छक्का लगाएंगे तो एक सम्मानजनक स्कोर साबित हो सकता है, वही अच्छी गेंदबाजी बरकरार रखेंगे
निशांत तू काजरगाटी के लिए आसान हो सकता है। फिर एक बार तैयार, निशांत तू योगेश, योगेश बन भी, निशांत तैयार, योगेश भी तैयार। इसी बीच ये गेंद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, इस बार अच्छी गेंद, बल्ले का अंदरूनी देखना होगा इस गेंद के ऊपर अंपायर का डिसीजन, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, एक रन पूरा किया, डिक्लेरेशन बॉक्स में गई। मेगा फाइनल की पहली इनिंग की समाप्ति, टीम का स्कोर 39 रन, फाइनल का खिताब जीतने के लिए महालक्ष्मी काजरघाटी को बनाने हैं पूरे 40 रन और अप्पागुरी 11 को डिफेंड करने हैं 40 रन। देखना होगा इस फाइनल मुकाबले का कौन जीतते हैं, अप्पागुरी 11 या महालक्ष्मी काजरघाटी। 30 गेंदे 40 रन, बड़ा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, कांटे की टक्कर। स्वयंभू महालक्ष्मी देवस्थान न्यास आयोजित रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग पहिले पर्व दर्जेदार आयोजन आपण बघितलात, 26 27 आणि 28 या तीन दिवशी आयोजन केलं होतं। आज 28 तारीख म्हणजे सांगतेचा दिवस, या दिवशी अनेक रोमहर्षक सामने झाले। तत्पूर्वी या स्पर्धेसाठी जो भला मोठा विजेता चषक आपण बघतोय तो आपल्याला लाभलाय न्यासाचे कैलासवासी श्रीधर रामचंद्र नागवेकर आणि कैलासवासी सुरेखा श्रीधर नागवेकर यांच्या स्मरणार्थ श्री विनायक श्रीधर नागवेकर यांच्याकडून, तसेच उपविजेता चषक जो देखील एक आकर्षक आहे तो आपल्याला लाभलाय न्यासाचे कैलासवासी मधुकर रामचंद्र नागवेकर यांच्या स्मरणार्थ श्री प्रणय मधुकर नागवेकर आणि रोहित मधुकर नागवेकर यांच्याकडून, तसेच जे संघ सेमीफायनलचा सामना हरलेत त्यांनी हरून जायचं नाहीये त्यांना प्रोत्साहन म्हणून देखील या न्यासाने दोन ट्रॉफीज ठेवल्यात। तृतीय क्रमांक विजेता चषक आपल्याला दिलाय तो श्री अथर्व महेंद्र नागवेकर यांच्याकडून, तसेच जो संघ दुसरा सेमीफायनलचा सामना हरलाय त्याच्यासाठी देखील तृतीय क्रमांक विजेता चषक आलाय तो श्री चारुहास गजानन नागवेकर यांच्याकडून। जो खेळाडू उत्कृष्ट अशी स्पर्धा या स्पर्धेत दमदार प्रदर्शन करेल आणि मालिका आपल्या नावी करेल त्याला मालिकावीर म्हणून गौरवण्यात येईल तो चषक आपल्याला दिलाय श्री दीपक देमा पवार यांच्याकडून। जो जास्त षटकार मारेल, जास्त षटकार खेचेल त्याला म्हणण्यात येईल तसेच याच्यामध्ये या लीग सामन्यापासून फायनल पर्यंत जे जे संघ जिंकलेत त्यांच्यातील एक खेळाडू सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आला, त्याला एक मेडल आणि जर्सी देण्यात आलं, यासाठी टी शर्ट लाभलेत आपल्याला वैभव पंडित नागवेकर यांच्याकडून। तसेच सामनावीरचं मेडल आपल्याला लाभलंय श्री प्रदीप कीर आणि सुहास नागवेकर यांच्याकडून। तसेच या स्पर्धेसाठी आपल्याला देणगीदार देखील लाभलेत, बालकृष्ण नागवेकर, श्री बालकृष्ण नागवेकर 1000 रुपये, श्री अनिकेत चव्हाण 5000 रुपये, श्री रघुनाथ गुरव 500 रुपये, श्री राजेंद्र हरमलकर 551 रुपये, श्री श्याम गाडेकर 500 रुपये, श्री नरेश काके 100 रुपये, श्री महेश मयेकर 1000 रुपये, श्री भालचंद्र रहाटे 2000 रुपये, सौ अंजली पवार 500 रुपये, श्री ओमकार नागवेकर 1000 रुपये आणि श्री मनोहर रहाटे 1000 रुपये। या सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार, आपल्या आर्थिक मदत खूप मोलाची होती ज्याच्यामुळे स्पर्धा खूप मानाची झाली आहे। आणि आता आपण येऊया मैदानात, जीतने के लिए 40 रन का लक्ष्य लेकर उतरेगी यहाँ पे महालक्ष्मी काजरघाटी की टीम। महालक्ष्मी काजरघाटी आपका गुरु 11, 40 रन, 30 गेंदे 40 रन। देखा जाए तो सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा, हर एक तरफ रन्स मौजूद,
भूषण और श्रेयस तैयार। पहली गेंद स्मितेश की, इस बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, गेंद जाते ही डिक्लेरेशन बॉक्स में। एक रन से खाता शुरू किया भूषण ने, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ एक रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अच्छी शुरुआत, पटकी हुई गेंद स्मितेश के द्वारा, भूषण को ध्यान देना होगा, ये गेंदबाज कमाल का है। रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग पहला मुकाबला, पहली गेंद स्मितेश की गेंद और विकेट लपका था। इस टूर्नामेंट को विकेट के साथ शुरू किया था इस गेंदबाज ने, वही गेंदबाज स्मितेश धोलकर। अच्छी गेंदबाजी, इस बार भी देखना होगा क्या करते हैं। दूसरी गेंद स्मितेश की, भूषण के लिए तैयार मेगा फाइनल। इसी बीच ये गेंद तैयार, स्मितेश की दूसरी गेंद भूषण के लिए, अच्छी गेंद कट किया इस गेंद को, गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में, वहां पे थोड़ी सी आपदा और एक रन चुरा लिया, एक रन से इनका स्कोर बढ़ता बिना कोई विकेट के नुकसान पे। देखा जाए तो 30 गेंदों में 40 रन बनाना था, किस प्रकार चेस करते इस टारगेट को महालक्ष्मी काजर घाटी, देखना पड़ेगा, वही रोमांचक बनाना पड़ेगा। गेंदबाजी से स्मितेश को ये मुकाबला विकेट निकालने चाहेंगे स्मितेश, और सामने होगा सायकेवाड़ी का सितारा श्रेयस कामले। छोटा बल्लेबाज लेकिन बड़ा नाम, बड़े बड़े गेंदबाजों को छक्के का रास्ता दिखाया था इस गेंद बल्लेबाज ने, वही तैयार स्ट्राइकिंग एंड पे श्रेयस कामले, मैन फ्रॉम साकेवाड़ी, साकेवाड़ी की शान। वही स्मितेश भी तैयार अगली गेंद श्रेयस के लिए, अच्छी गेंद ब्लॉक होल में गेंद, क्या खूबसूरत गेंद ढकेला था श्रेयस ने। इस एक रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। इक्के दुक्के में डील करते हुए महालक्ष्मी काजरघाटी की टीम, जानते है टारगेट बड़ा नहीं है, रिस्क की आवश्यकता कम है, तो देखना होगा किस प्रकार बल्लेबाजी करते भूषण। अभी तक सेंसिबल क्रिकेट, फिर एक बार तैयार तीसरी गेंद, चौथी गेंद स्मितेश की, इस बार भी अच्छी गेंद, वहां पे रुकावट, कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, दूसरी रन के चाहत में तेज श्रेयू। श्रेयू हमेशा तैयार रहते हैं दूसरी रन के लिए, ये खासियत है इस बल्लेबाज की, लेकिन अभी एक रन पे संतुष्ट, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 4 गेंदें डाली है और मात्र 4 रन खर्च किए स्मितेश ने, ये भी एक अच्छा गेंदबाज। तैयार पांचवी गेंद श्रेयू के लिए मेगा फाइनल रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1, फिर एक बार तैयार अगली गेंद श्रेयू के लिए, अच्छी गेंद धमाकेदार शॉट इस गेंद के ऊपर, अच्छी फील्डिंग अंकित की, एक रन चुरा लिया दूसरी रन की चाहत में थे, लेकिन मना किया भूषण को, खतरा था। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अभी तक खतरा मोल लिया नहीं भूषण और श्रेयस ने, जानते हैं डीप इस मैच को डीप तक ले जाना होगा, आखिर तक लेके जाना होगा। आखिरी गेंद इस वक्त, अच्छी गेंद बीट हुए कीपर इस गेंद के ऊपर, तेज तर्रार गेंद, रुकनी चाहिए थे गेंद, ओवर की समाप्ति, लेकिन एक रन बचा नहीं पाए कीपर, एक ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। गेंदे डाली है 6 और बनाए हैं रन 6। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे स्मितेश के द्वारा, मात्र 6 सिंगल्स दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी, अगर कीपर अच्छी फील्डिंग करते, हर्षल का कीपिंग में खराब दिन हमने देखा है सुबह से, हर्षल थोड़ी सी खराब फील्डिंग करते हुए, इससे उभरना पड़ेगा पगुर 11 को, हर्षल को उभरना होगा, अच्छी फील्डिंग करानी होगी और खुद भी करनी होगी। अभी भी जीतने के लिए 24 गेंदे और 34 रन की जरूरत, 24 गेंदे 34 रन, मेगा फाइनल रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1। हर्षल अब आएंगे गेंदबाजी के लिए, हरपन मौला खिलाड़ी है, बल्लेबाजी करता है, कीपिंग करता है, और जो रह गया गेंदबाजी वो भी करता है, आइकॉन प्लेयर हर्षल। वही श्रेयस, ये भी कम नहीं है, लड़का छोटा है लेकिन काम बड़े हैं, कारनामे बड़े हैं। तैयार स्ट्राइकिंग एंड पे श्रेयस, हर्षल टू श्रेयस, धमाकेदार मुकाबला मेगा फाइनल। तैयार दूसरी ओवर लेकर श्रेयस टू हर्षल, फिर एक बार काफी सारे दर्शकों की भीड़ यहाँ पे मौजूद, उसी के साथ तैयार हर्षल पहली गेंद, थोड़ी सी रुकावट माफ करना, फिर एक बार वापस जाना होगा अपनी बॉलिंग मार्क पे, फिर एक बार तैयार खड़े हर्षल। पहली गेंद श्रेयू के लिए, दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया ये गेंद, अच्छी गेंद कट करना चाहते थे,
बीट हुए, अंपायर का इशारा वाइड, वाइड के चलते टीम का स्कोर एक रन से बढ़ता हुआ 7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। एक्स्ट्रा कम देने पड़ेंगे आपका गुरु 11 को, आपके पास पहले से ही कम रन मौजूद। इस दरमियान पहली गेंद हर्षल की, इस बार कट किया, अंजाम दिया इस गेंद के ऊपर श्रेयस ने शॉट को। ये गजब का खिलाड़ी है, अच्छी गेंद बल्लेबाजी करना जानता है, अच्छी फील्डिंग राज के द्वारा। इसी बीच फिसले थे लेकिन संभले, इसी बीच श्रेयु ने अपना काम किया, 2 रन चुरा लिए, 2 रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। श्रेयु जब श्रेयु ने शुरुआत की थी तो सिंगल डबल्स में डील करते थे, लेकिन इस बार इस साल अलग वर्जन, श्रेयु 2.0, अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, अब छक्के लगाते हैं। इस बार देखना होगा क्या करते हैं श्रेयु इस टूर्नामेंट में। फिर एक बार तैयार हर्षिल कोटी की दूसरी गेंद, बार बार फील्ड में बदलाव अप्पा गुरु 11 की तरफ से। हर्षिल तैयार, दूसरी गेंद, इसी बीच दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे पकड़ लिया, जकड़ लिया, पहले विकेट का पतन, श्रेयु की घर वापसी। अपगुरी 11 आपसे, आपको जल्द से जल्द वापस जाना होगा अपनी फील्डिंग पोजीशन पे, क्योंकि रोशनी की कमी हो सकती है। मेगा फाइनल है, कोई परेशानी नहीं चाहिए इस मेगा फाइनल में। श्रेयु के विकेट का पतन, अगला बल्लेबाज निशांत जो कि कमान संभालेगा अपनी टीम की। अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन लालच आया श्रेयु के मन में और लपेट लिया और चल पड़े डगआउट की तरफ श्रेयु। अब देखना होगा निशांत किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। एक अच्छे बल्लेबाज है, काजर घाटी की तरफ से खेलते हैं और इस बार इस लीग मैच में भी महालक्ष्मी काजर घाटी को रिप्रेजेंट करते हुए तैयार खड़े होंगे बैटिंग मार्क पे। वही एक सफल गेंदबाज तैयार, हर्षल दिखा दिया क्यों आइकॉन है अप्पा गुरु 11 पे। फिर एक बार तैयार हर्षल कोटे की तीसरी गेंद, मेगा फाइनल का मुकाबला हर्षल और सामने निशांत। इस बार ये गेंद हर्षल की, निशान के लिए, इस बार अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर लगाया लेकिन अंदरूनी हिस्सा लगा बल्ले का, चुरा लिया 1 रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन एक विकेट के नुकसान पे। अभी तक कोई भी बड़ा हिट दिखाई नहीं दिया जिसकी जरूरत भी नहीं है, सेंसिबल तरीके से खेलेगी महालक्ष्मी काजर घाटी तो टारगेट की तरफ जा सकती है। इसी बीच अगली गेंद, ये गेंद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद, गेंद जाकर पैरों पे टकराई, रनआउट का चांस, भूषण चलते होंगे रनआउट, भूषण की घर वापसी, दूसरा बड़ा छटका महालक्ष्मी काजर घाटी की उम्मीदों को। दो विकेट के नुकसान पे, टारगेट कम लेकिन बॉलिंग में दम है अप्पा गुरु 11 के। वही दमदार गेंदबाजी को बरकरार रखना होगा अगर इस मुकाबले को आखिरी तक खींचना है तो। हर्षल दिखा दिया अच्छी गेंदबाजी के चलते, इस ओवर की आखिरी दो गेंदे आना अभी शेष, अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है हर्षल ने और धीरे धीरे मैदान में मंदार एक फिनिशर काजर घाटी की तरफ से, मैन फ्रॉम शिंदेवाड़ी, फ्रेंडशिप शिंदेवाड़ी को रिप्रेजेंट करता है खिलाड़ी। देखना होगा इस बार भी फिनिश करना होगा, यहां तक लाने में मंदार की अहम भूमिका, जितना लंबा खिलाड़ी है उतना लंबे छक्के मारता है लेफ्टी बल्लेबाज। फील्ड में बदलाव करना होगा इस बल्लेबाज के लिए, वही देखना होगा किस प्रकार मंदार रवैया अपनाते हैं। इस बार सेंसिबली खेलना होगा, छक्के चौकों की जरूरत कम है लेकिन मंदार का गेम छक्के चौकों से ही डील करते हैं। इस बार देखना होगा, तैयार खड़े हर्षिल कोटे की पांचवी गेंद मंदार के लिए, एक घातक बल्लेबाज और रफ्तार वाला गेंदबाज, टक्कर काटे की। फिर एक बार तैयार हर्षिल पांचवी गेंद, हर्षिल टू मंदार, एक महत्वपूर्ण गेंद साबित हो सकती है इस मेगा फाइनल की, रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग
हर्षल तैयार पांचवी गेंद लेकर, इसी बीच मंदार के लिए पांचवी गेंद, हर्षल टू मंदार, अच्छी गेंद मिस किया इस गेंद के ऊपर, बड़ा हिट चाहते थे मंदार, जरूरत नहीं लेकिन नाकामयाब, बीट किया हर्षल ने अपने पेस से, डॉट गेंद महत्वपूर्ण डॉट गेंद। अब आखिरी गेंद लेकर तैयार हर्षल, आखिरी गेंद मंदार के लिए, हर्षल तैयार मंदार भी तैयार, मंदार को जलवा बिखेरना पड़ेगा, इसी बीच ये गेंद हर्षल की, आगे आए हिट किया गेंद हवा में, कैच जरूर होगा, छोड़ेंगे छोड़ा, मंदार का जब जब कैच छूटा है, मंदार का कहर बारह रन दो विकेट के नुकसान पे। अपगुरी इलेवन आपको तेजी दिखानी है, गेम को आगे बढ़ाना है, ऐसे भी थोड़ा सा ड्रिंक्स ब्रेक। मुकेश आपको तेजी दिखानी है, दौड़ लगानी है और अपने डगआउट की तरफ वापस जाना है, अच्छा काम करते हैं मुकेश अपनी टीम के लिए, एक अच्छी सेवा, ये भी अच्छे बड़े प्लेयर हैं मुकेश, धीरे धीरे डगआउट में वापस, डिंग्स ट्रॉली के तरफ। अब देखना होगा तीसरी ओवर लेकर कौन आते हैं, ऋषिकेश तेजी बढ़ाओ, रोशनी की कमी है ऋषिकेश मेरे दोस्त, जल्दी आओ, देखना होगा किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं। तीसरी ओवर में ऋषिकेश 18 गेंदे 28 रन, 18 गेंदे 28 रन, ये फाइनल रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग जीतने के लिए 28 रन मात्र 18 गेंदों में बनाने पड़ेंगे महालक्ष्मी काजरघाटी को, वही डिफेंड करने पड़ेंगे आप पगुर 11 को। तैयार ऋषिकेश, पहली गेंद निशान के लिए, इस बार अच्छी गेंद बीट किया पेस से, खूबसूरत गेंदबाजी, अपील लेकिन अंपायर सजग वहां पे, मना किया, स्ट्रॉन्ग अपील थी, डॉट गेंद के साथ शुरुआत ऋषिकेश के द्वारा, अच्छी शुरुआत, अच्छा प्लेयर है ऋषिकेश, लंबा गेंदबाज है, अच्छी तेज से गेंद फेंकते हैं, गेंद नहीं मानो रॉकेट है। फिर एक बार तैयार दूसरी गेंद ऋषिकेश निशान के लिए, इस गेंद के ऊपर आ गया है बल्ला, घुमाया गेंद हवा में, प्लेयर नीचे मिस किया, अच्छी फील्डिंग वहां पे, लेकिन दौड़कर दो रन पूरे करेंगे मंदार और निशांत, तीसरी रन की गुंजाइश को खत्म किया, टीम का स्कोर दो रन से बढ़ता हुआ 14 रन। वहां पे थोड़ी सी रुकावट, माफ करना, अंपायर की तरफ से निर्णय आना बाकी इस गेंद के ऊपर का, अंपायर का इशारा बाकी इस गेंद के ऊपर, दोनों ही अंपायर अनुभवी अंपायर, दो रन का इशारा, दो रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन दो विकेट के नुकसान पे। पहली गेंद दूसरी गेंद के ऊपर लंबा हिट लगाना चाहते थे लेकिन नाकामयाब रहे निशांत, तैयार ऋषिकेश तीसरी गेंद, ये गेंद महत्वपूर्ण रहेगी निशांत के लिए, डॉट गेंद की उम्मीद के साथ तैयार ऋषिकेश, वही छक्का लगाना चाहेंगे निशांत, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, पेस से बीट किया, लगभग दूसरी डिलीवरी डाली थी इनको, समझ नहीं पाए, वही धरे के धरे धरे स्कोर वही रुका हुआ 14 रन दो विकेट के नुकसान पे। अभी जीतने के लिए पंद्रह गेंदे 26 रन तैयार ऋषिकेश, ये गेंद निशान के लिए, इस बार शॉर्ट गेंद, थप्पा मारा इस गेंद को, लगभग चपटी मारा इस गेंद के ऊपर, एक रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन दो विकेट के नुकसान पे। इसी के साथ स्ट्राइक पे आएंगे फिनिशर के रूप से उभरे थे महालक्ष्मी काजरघाटी के मंदार शिंदे,
और देखना होगा ऋषिकेश पांचवी गेंद लेकर तैयार रहेंगे। गोला फेंकता है गेंदबाज, तेज तर्रार रफ्तार वाली गेंद डालता है। देखना होगा पांचवी गेंद किस प्रकार डालते हैं मंदार को। मंदार के हाथ में बल्ला, चलाना होगा, यहां तक लाए थे, मकाम को अंजाम देना पड़ेगा। यह ट्रॉफी आपकी राह देख रही है। फिर एक बार तैयार ऋषिकेश, पांचवी गेंद, गेम को ऑन करना पड़ेगा मंदार को। इस गेंद के ऊपर लंबे हिट की दरकार। ऋषिकेश तैयार, मंदार भी तैयार, इसी बीच दौड़ लगाई, अंपायर को पार किया। ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद, अब बड़ा शॉट और गेंद सीधा सीमा पार, छक्का, बड़ा हिट, बड़ा शॉट। इसी के लिए जाने जाते हैं मंदार। क्या टूर्नामेंट रहा है मंदार का, जब जरूरत थी पूरा किया उसको मंदार ने, बड़ा हिट, लंबा हिट। आखिरी गेंद लेकर तैयार ऋषिकेश, इस गेंद के ऊपर मदार रहेगी, वापस खींचा है मंदार ने। यह गेंद, माफ करना थोड़ी सी रुकावट, फिर एक बार जाना होगा वापस बॉलिंग लाइनअप पे, बॉलिंग मार्क पे। तैयार ऋषिकेश, ये गेंद मंदार के लिए आखिरी गेंद, इस बार अच्छी गेंद और गेंद इस बार भी सीमा पर, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर, दूसरा लंबा छक्का, मंदार शिंदे चैंपियन प्लेयर। फ्रेंडशिप शिंदेवाड़ी की तरफ से खेलते हैं, लेकिन इस बार महालक्ष्मी काजरगाटी के लिए अहम भूमिका। अभी आने वाली गेंदें होगी 12 और बनाने हैं रन 13। 12 गेंदें 13 रन, रोमांचक मुकाबला। मंदार ने वापस खींचा, दिखाया क्यों फिनिशर है महालक्ष्मी काजरगाटी के। अभी तक तारणहार साबित हुए है मंदार शिंदे, जहां देखिए उनका ही नाम मंदार मंदार। देखा जाए तो आपकागुरी 11 को भी इस बार इस ओवर में वापस आना पड़ेगा, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ये जो पिच है वो गेंदबाज को मदद करती है, तो अगर अच्छी गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में, प्रेशर में लाएंगे निशांत को, तो वापसी करा सकते हैं। मेगा फाइनल है मेरे दोस्त, कुछ भी हो सकता है। आने वाली गेंदे है 12 और रन बनाने हैं 13। हर्षल तैयार, दूसरा ओवर लेकर पहली गेंद निशांत के लिए। हर्षल टू निशांत, ये गेंद हर्षल की, निशांत के लिए अच्छी गेंद, कट किया, सूझबूझ गेंदबाजी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। एक रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। इसी के साथ सामने आएंगे मंदार, मंदार शिंदे, एक खूंखार प्लेयर, लाजवाब हीटर और एक बढ़िया फिनिशर। फिनिश करना होगा वही हर्षल, ये भी कम नहीं, हर्षल भी कमबैक कर सकते हैं, अप्पा गुरु 11 को वापस ला सकते हैं इस गेंद के ऊपर। अगर मंदार का विकेट लेंगे तो वापस आएंगे, देखना होगा हर्षल। अनिकेत सवान की तरफ से प्राइज आया, मंदार शिंदे छक्का लगाते इस गेंद के ऊपर तो 500 रुपए का इनाम। इसी बीच हर्षल, मंदार के लिए गेंद और पूरा किया, इस गेंद के ऊपर कैच हो सकता है, लपक लिया, वापस लाया, मंदार आउट। लेकिन देखना होगा क्या कुछ घटता है इस गेंद के ऊपर, शायद थोड़ी सी, देखना होगा इस गेंद के ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन मैच। इस गेंद के ऊपर लक मंदार के साथ, गेंद जाकर इलेक्ट्रिकल वायर्स को लगी थी तो कैच। सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे, देखना होगा, चेक करना होगा, आउट है, जो अंपायर डिसीजन देंगे वो देखना होगा।
अंपायर का इशारा, चार रन। गेंद इलेक्ट्रिकल वायर्स को छूकर गई थी, मंदार के साथ नसीब। इस चार रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। अगर गेंद वायर को नहीं लगती तो जाती तारामंडल में छक्के के लिए। खराब प्रदर्शन वहां पे हर्षल के द्वारा, फाइनल में जिस तरीके की उम्मीद थी नाकामयाब रहे। फिर एक बार तैयार हर्षल, तैयार। 10 गेंदे 8 रन, तैयार। ये गेंद निशान के लिए, इस बार निशान ने कट किया, वहां पे फील्ड की एक रन चुरा लिया। इसके साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। ये सभी को ध्यान देना है, जो जीती हुई टीम मैदान में आ सकती है, लेकिन अगर विकेट को हाथ लगता है तो आपका प्राइज मनी कट सकता है। तो विकेट को छूना नहीं है, अगर आप जीते तो सेलिब्रेशन मैदान में करना है, विकेट के ऊपर नहीं। इसी बीच हर्षल की ये गेंद मंदार के लिए, मंदार द फिनिशर, वाइड चाहते थे इस गेंद के ऊपर, लेकिन अंपायर ने नकारा। हर्षल की वापसी, टीम का स्कोर वही रुका हुआ 33 रन। अभी भी 2 गेंद शेष इस इनिंग की, अभी जीतने के लिए 8 गेंदे 7 रन। मंदार में क्षमता है छक्का लगाने की, वही हर्षल में भी विकेट लेने की क्षमता है। महत्वपूर्ण गेंद मंदार के लिए, इस बार अंपायर का इशारा देखना होगा। वाइड और 1 रन, डिक्लेरेशन में गई गेंद, अंपायर का इशारा 2 रन। इस 2 रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अभी जीतने के लिए 8 गेंदे और 5 रन की जरूरत। अगर मंदार छक्का लगाते हैं, अनिकेत सवान की तरफ से ₹500। अगर फिनिश करते हैं MS धोनी स्टाइल में, इस टूर्नामेंट को लिफ्ट करते हैं, तो ₹500 भी जीत सकते हैं। चमचमाती ट्रॉफी है और ₹500 भी है। एक बार तैयार हर्षल, आखिरी गेंद मंदार ने समझदारी चुनी, लालच नहीं चुना, टीम को चुना। क्या मंदार का प्रदर्शन, लालची नहीं है आदमी, टीम मैन है। जानते थे छक्का लगा सकते थे लेकिन रोका। इसी के साथ टीम का स्कोर 1 रन से बढ़ता हुआ 36 रन। इस ओवर की आखिरी एक गेंद आना शेष, अभी 7 गेंदे 4 रन। निशांत के कंधों पे ऊपर जिम्मेदारी, मंदार की तारीफ करनी पड़ेगी, तालियां बजानी पड़ेगी आपको। इस बल्लेबाज ने लालच को नहीं चुना, टीम को चुना, टीम को पहले रखा और 1 रन दौड़कर चुरा लिया। इसी बीच तैयार हर्षल, 7 गेंदे और 4 रन, 7 गेंदे 4 रन। तौबा, भीड़ इस वक्त रामेश्वरवाड़ी स्टेडियम में। 7 गेंदे 4 रन, मेगा फाइनल। ये गेंद हर्षल, निशांत, अच्छी गेंद, वहां पे अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। अभी भी मैच में जान है, कहीं भी जाएगा मत। अभी आने वाली गेंदे हो गए 6 और बनाने हैं रन 4। कुछ भी हो सकता है दोस्त, 6 गेंदे 4 रन, हमने देखा है लो स्कोरिंग मैचेस। हम देख सकते हो कैमरा के ऊपर, दर्शकों की जो भीड़ उमड़ी है उनको हम कैमरा पे देख सकते हैं। क्या जबरदस्त उपस्थिति दर्शकों की, रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1 मेगा फाइनल, बहुत सारी संख्या में दर्शक। जो भी मैच, ये फाइनल का, मेगा फाइनल का मुकाबला, जो भी टीम जीतती है उनके प्लेयर सेलिब्रेशन के लिए मैदान में जा सकते हैं, लेकिन उनको विकेट से दूर रहना पड़ेगा। अगर हम आपके ऊपर कैमरे की नजर रहेगी, अगर विकेट को कोई नुकसान पहुंचता है तो कटौती आपके प्राइज मनी से की जाएगी, तो ध्यान रखना होगा। दोनों टीम को ध्यान दे, ये मैच अभी समाप्त हुआ नहीं है। 6 गेंदों में 4 रन, और जो गेंदबाज है वो महंगा गेंदबाज है, रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग का अंकित घोड़के। 670 पॉइंट लगाए थे,
सॉरी 570 पॉइंट लगाए थे इस गेंदबाज के ऊपर। अप्पा गुरु एलन ने कुछ खास है इस गेंदबाज में, फिरकी का जादूगर है गेंदबाज। वही सामने होगा मंदार, जिसका बल्ला अभी तक बोला है वो मंदार। देखना होगा क्या करते हैं, 6 गेंदे 4 रन अगर देखा जाए तो, अगर निशान छक्का लगाते हैं तो अरकम खान की तरफ से 1000 रुपए। इस बीच मंदार ने देखना होगा इस गेंद के ऊपर, फिरकी के जाल में फंसाया। अभी 5 गेंदे 4 रन, वाइड चाहते थे लेकिन मना किया। दोस्तों जब तक अंकित है उम्मीदें जिंदा है अप्पा गुरु 11 की। ये मुकाबला कंपलसरी चेस है, यानी 4 रन बनाने हैं। 5 गेंदे 4 रन अंकित मंदार, अंकित की गेंद मंदार के लिए आगे आए। अच्छा हिट, क्या खूबसूरत बैटिंग मंदार की। 2 रन जरूर पूरे करेंगे, अच्छी थ्रो की उम्मीद, खराब थ्रो और ये उम्मीदों को जाकर लगा थ्रो। इसी के साथ 2 रन पूरे किए, 2 रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। अभी जीतने के लिए 4 गेंदे 2 रन, मंदार आपको फिनिश करना पड़ेगा। 4 गेंदे 2 रन, ये जो बल्लेबाज है स्ट्राइकिंग एंड पे, लगातार लीग स्टेज हो सेमीफाइनल हो सभी में दमदार प्रदर्शन किया था, अपनी टीम को वापस लाइए था। मैन फ्रॉम टीके शिंदेवाड़ी, मंदार शिंदे मैन ऑन फायर। अभी 4 गेंदे 2 रन, अंकित भी जादूगर है फिरकी के, फंसा सकते हैं मंदार को। 4 गेंदे 2 रन, रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग फाइनल, फाइनल का घमासान। फील थोड़ी सी अंदर लेते हुए मंदार के लिए, अंकित महत्वपूर्ण गेंद, अंकित तू मंदार ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा वहां पे खराब कॉलिंग, मंदार आउट होंगे वापस जाएंगे। थरार रोमांच की वापसी, मंदार के विकेट का पतन, बड़ा झटका। तीन गेंदे दो रन, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अप्पा गुरु 11 एक चैंपियन टीम, 3 गेंदे 2 रन, हमने काफी सारे टाइट फिनिश देखे हैं। इस टूर्नामेंट को भी उसी की दरकार थी, फाइनल मैच को भी उसी की दरकार थी, पूरा किया महालक्ष्मी काजरगाटी और अप्पा गुरु 11 ने। पूरा रोमांच, प्रेक्षकों की भीड़ लाइव भी देखते हुए यहाँ पे यूट्यूब पे, ये रत्नागिरी क्रिकेट लाइव के माध्यम से तैयार। 3 गेंदे 2 रन, अंकित टू निशांत, छक्का लगाया तो 1000 रुपए और सेंसिबल तरीके से खेले तो चमचमाती ट्रॉफी। तैयार अंकित, तैयार निशांत, तैयार ये गेंद, महत्वपूर्ण गेंद, अच्छी गेंद खदेड़ा, अच्छा शॉट, 1 रन तो बनाया इस गेंद के ऊपर, 2 रन की चाहत में खराब और चैंपियन होगी रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग की महालक्ष्मी काजरगा। फाइनल रहा, धन्यवाद। रामेश्वरवाड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1 और
इस किताब को जीता है महालक्ष्मी काजर घाटी ने और रनर अप रहे अप्पा गुरु 11। आपको निराश नहीं होना है, आपने फाइट दी थी,